हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्वागत है कमाल की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सअप पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है कि आप उसे कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप का फिंगरप्रिंट कैसे हटाएंगे इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। आपके लिए दो तरीके बताऊंगा हटाने के। ठीक है, तो आज की जो वीडियो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए क्या करना है दोस्तों, आप कोई सा भी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आपके लिए करना अपना जो व्हाट्सअप है आपके लिए इसे ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे डाल देता हूँ और जो मेरा व्हाट्सअप है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए करना है यहाँ पे साइड से थ्री डॉट देखने के लिए मिलेंगे आपके फोन में। ठीक है, आपके व्हाट्सअप में, तो आपके लिए उन थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपके लिए एक सेटिंग वाले सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सअप की सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, तो मैं व्हाट्सअप की सेटिंग्स में आ जाता हूँ। आने के बाद आपके लिए एक ऑप्शन और देखने मिलेगा यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, तो आपके लिए अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर आपके लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर रिक्वेस्ट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डिलीट माई अकाउंट। तो आपके लिए प्राइवेसी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस प्राइवेसी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी प्राइवेसी देखने मिल जाएंगी। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे नीचे एक प्राइवेसी देखने मिलेगा, फिंगरप्रिंट लॉक। ठीक है, तो आपके लिए उसी पर क्लिक कर देना, फिंगरप्रिंट लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कर देते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आप अभी यहाँ पे ये सेटिंग है हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी ऑन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे हम बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद अब हम अपने व्हाट्सअप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने व्हाट्सअप से बाहर आ गए हैं। फिर यहाँ पे अपना व्हाट्सअप है, हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से जो लॉक था यहाँ पे व्हाट्सअप का वो हट चुका है। ठीक है, आप इस तरह से भी हटा सकते हैं, इस तरह से नहीं हटता है। फिर आप क्लिक करना है अपनी फोन की सेटिंग्स में आ जाना। ठीक है, तो अपनी फोन की सेटिंग्स में आ जाता हूँ। आने के बाद आपके लिए यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर पासवर्ड का। ठीक है, पासवर्ड हो या आपके फोन में या फिर फिंगरप्रिंट का हो। ठीक है, फिर आप क्लिक क्या करना है, उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट का। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका जो पासवर्ड पड़ा हुआ है वो डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपके जितने फिंगर लगे होंगे वो आपके लिए यहाँ पर सारे कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप क्लिक करना है इस डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस डिलीट वाले ऑप्शन से क्लिक करके आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो व्हाट्सअप पर फिंगरप्रिंट लगा होगा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं हटता है तो इस तरह से तो आपका 100% हट जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने व्हाट्सअप पर जो फिंगरप्रिंट लगा है उसे हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।